हेलो दोस्तों, सो जेंटलमैन, मैं आज आपको ओपन क्लोज की बहुत ही सिंपल, बहुत ही आराम से, बड़े ही सुंदर तरीके से ओपन क्लोज की प्रॉब्लम सॉल्व करना जस्ट 2 मिनट में सिखा दूंगा। अगर आप बहुत पैसे और टाइम ख़राब कर रहे हैं, सो ये मेरी वीडियो देखिए, आप जस्ट 2 मिनट में इसकी जो है ओपन क्लोज की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे अपने आप। किसी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब से आप मेरी वीडियो देख के आराम से ओपन क्लोज की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो जेंटलमैन, ट्रे तक पहुंच जाइए किसी तरह, ठीक है जी। उसके बाद फिर मैं आपको बता देता हूँ। सो कार्ड, इसके जो है 3 कार्ड होते हैं, मेन 3 कार्ड होते हैं। एक कार्ड तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये पतला हो गया, और तीसरा कार्ड जो होता है ये वाला हो गया। 1, 2 एंड 3 कार्ड होते हैं बस, जो ट्रे के साथ जुड़े होते हैं। और जेंटलमैन, ट्रे में होती है जी बेल्ट और सेंसर, ठीक है जी। सेंसर, एक तो ये रहा सेंसर, यहाँ पे देख लीजिए जेंटलमैन, यहाँ पे आपका सेंसर है। एक तो ये सेंसर है, दूसरा सेंसर है इसके अंदर, ये वाले सेक्शन के अंदर, ठीक है जी। सो ये दोनों सेक्शन प्रॉपरली काम करने चाहिए, ये दोनों जो है आपके सेंसर काम करने चाहिए। सो इसी से जो है आपकी ओपन क्लोज की प्रॉब्लम सॉल्व होएगी। और जेंटलमैन, पहला मुद्दा है जी बेल्ट का। बेल्ट डालिए, बेल्ट डालने का तरीका बहुत ही आसान होता है। जैसा कि ये ट्रे है, इसको बाहर खींचना है। सो कैसे खींचेंगे ये चीज़ आपको पता नहीं होगी जेंटलमैन, बहुत ही सिंपल है। ये वाला जो गियर है, इसको आगे को करेंगे, ये देखिए, तो आपका देखिए आ रहा है, ये देखिए ट्रे बाहर आ गई है। तो इसको मैंने हाथ से कर लिया। सो इसको ऊपर करेंगे, ट्रे को बाहर खींचेंगे, देन यहाँ से प्रेस करेंगे। लुकिए, मैं दिखाता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये होते हैं इसके ये वाले, हाँ, ये इसको आप पीछे को खींच के ट्रे को बाहर निकाल दीजिए। दोनों तरफ होते हैं और नीचे इसके बेल्ट हैं। सो बेल्ट चेंज हो गई, फर्स्ट काम कर लिया। दूसरा काम, अगर फिर भी ओपन क्लोज की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो मेन काम आपने क्या करना है, ये है इसकी मोटर। आपने 5 साल से इसको चलाया नहीं है, मोटर में कार्बन आ गया है, मोटर हो गई है जैम। सो आपने क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। पहले तो ये जो है लॉक, इसको पीछे करके इसको निकाल लेना। मैं निकाल नहीं सकता क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है। ये सेक्शन निकालना मतलब हल्का सा इसको पीछे हटा देना है। पीछे हटा के उसके बाद ये जो चीज़ है ना, ये वाली जो गरारी, इसका ये जो गियर है, इसको निकालना है। गरारी को मतलब निकाल लेना है। इसको ये पीछे को कर देंगे ना, तो ये गियर बाहर आ जाएगा, ठीक है जी। सो ये गियर वापस आ गया बाहर। और अब आपने क्या करना है, प्लीज़ एक चीज़ नोट कीजिएगा, जब भी आपने ये गियर बाहर, जब भी आपने ये काम करना है, तो पहले इसको निकालिए, फिर गियर निकालिए, और फिर झटके देने हैं मोटर को। वो कैसे देने हैं झटके जी, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्लीज़ बनिए रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, धीरे धीरे आराम से 5 मिनट दे दीजिए, प्लीज़ जल्दी मत कीजिए। सो ये है जी, मेरे पास 9 वोल्ट का जो है अडेप्टर है, ठीक है जी। अब अडेप्टर में से जो है तारे निकली हैं बाहर। कितनी तारे निकली हैं बाहर मैं आपको बताता हूँ। 2 तारे अडेप्टर की, 2 तारे जो है वो बाहर निकली हैं। ये रही तो सर जी, ये रही 2 तारे, ठीक है। सो प्लीज़ पेशेंस बनाइए रखिए, ये 2 तारे निकली हैं बाहर। अब हमने मोटर को झटके लगाने हैं। सो जेंटलमैन, ये है जी मोटर। ये मोटर में कार्बन आ जाता है, 5 साल से 10 साल से आपने इसको चलाया नहीं है। सो इसकी 2 तारे यहाँ जाती हैं, ठीक है जी। ये रही, ये दिख रही हैं, ये सेंटर में 2 तारे हैं। तो इसको झटके कहाँ लगाने हैं, ये जो पहली 2 हैं, 1 और 2, थोड़ा क्लोज करके आपको दिखाता हूँ। सो जेंटलमैन, वीडियो आपके काफ़ी काम आएगी, प्लीज़ पेशेंस बनाए रखिए, दिमाग से काम लीजिए, जल्दबाजी से नहीं। ये फर्स्ट 2 तारें जो हैं, यहाँ पे आपने
ये जो है 12 बोल्ट या 9 बोल्ट का, इससे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए, 9 बोल्ट तो होना चाहिए। सो इसको ये दोनों तारें ये वाली इसके दोनों यहाँ से जोड़ दीजिए तो मोटर चलने लग जाएगी, और मोटर को कम से कम 30 सेकंड तक झटके लगाइए, और देन जेंटलमैन वैसे ही इसको फिट कर दीजिए। ये जो गियर है इसको तोड़ मत लेना, आराम से निकल जाता है, हल्का सा पीछे करेंगे, और ये लॉक मत तोड़ लेना, ठीक है जी। ये वाला लॉक हल्का सा पीछे करेंगे, ये गरारी बाहर आ जाएगी। अगर ये नहीं निकालेंगे तो फिर ये टकराता रहेगा आपस में, तो ये गियर ख़राब भी हो सकता है। सो ये जो लॉक पीछे को करके इसको हल्का सा यहीं पे रख देना बस, और कुछ नहीं करना। उसके बाद ये जो है ये पीछे को करके ये गियर बाहर निकाल लेना, और जेंटलमैन यहाँ पे झटके देना सिर्फ 30 सेकंड, ये नीचे लगाए रखना, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, उसी तरह से गियर फिट कर दीजिए और ये फिट कर दीजिए। और जेंटलमैन एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, ये बहुत ही ख़ास चीज़ है, इसमें ना लेंस में लाइट आनी चाहिए, जैसा कि मेरे पहले ओपन क्लोज़ की प्रॉब्लम थी, सो लाइट नहीं आ रही थी। सो ये देखिए ट्रे बाहर आ गई है, सो ये ट्रे अंदर चली गई है, प्रॉब्लम मेरी सॉल्व है, ठीक है जी। वो देखिए लाइट आ गई है, सो इस तरह से लाइट पहले नहीं आती थी, अब ये लाइट आनी शुरू हो गई है। फिर से देख लीजिए, ये आपके वीडियो बहुत ही काम की है, आप इससे आसानी से ठीक कर सकते हैं। ओपन ट्रे, ओपन देन, और ये देखिए ये लाइट आ गई है। सो ये लाइट आनी ज़रूरी है, नहीं तो आपकी सीडी ठीक नहीं होएगी। सो जेंटलमैन बस इतना ही है, अगर आपने इतना काम कर लिया तो प्रभु आपकी, आपको किसी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी होम थिएटर की डीवीडी को अपने आप ठीक करके अपने सीडी के गानों का मज़ा ले सकते हैं, मूवी का मज़ा ले सकते हैं। जिन जिन ने मेरी वीडियो बड़े ध्यान से प्यार से देखी है उनको तह दिल से चरणों में नमस्कार है जी, क्योंकि हम आजकल कोई जो है पेशेंस नहीं रखता, और अगर आपने पेशेंस रख के ये काम कर लिया है तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपका जो है डीवीडी प्लेयर चालू हो गया है। अगर नहीं चालू हुआ है तो मेरी बात को, वीडियो को 3 बार देखें, बुज़ुर्गों ने कहा है कि जब भी आप एक चीज़ को 10 बार देखें तो वो याद हो जाती है, सो आपका डीवीडी प्लेयर चलने लग जाएगा। सो जेंटलमैन थैंक यू वेरी मच, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते खुश रहें, थैंक यू जी, लव यू।